काफी बार ये होता है कि जो हमें बताया हुआ है पहले से बचपन से कि झूठ नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना, लेकिन अभी इवन जब से टीवी पे देखा हमने प्रोग्राम, उसके बाद ही समझ में आया कि हाँ ये झूठ नहीं बोलना, इसका अपन अब सीखे हैं। बचपन से किसी ने बोला है माँ बाप ने, नहीं, वो अपन मगर ने एक बात इतनी जरूर समझ लो, झूठ बोलना वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसके बदले किसी को दुख नहीं देना, उतना ही शब्द पकड़ के चलो। क्योंकि झूठ और सच है ना, वो रिलेटिव सत्य है। और झूठ और सत्य, सत्य सत्य किसको बोला जाता है? नग्न सत्य वो भी झूठ है, अप्रिय सत्य वो भी झूठ है, लंबा लंबा सत्य वो भी झूठ है, और अहित दूसरे का होता है जिस सत्य में वो भी झूठ है। सत्य हित प्रिय मित वो गुणाकार होगा तो ही जो बात बताएं वो सत्य है, और सत्य में जो आग्रह आ गया तो भी झूठ है। तो फिर सत्य को मत पकड़ो, किसी को दुख ना हो जाए ऐसे व्यवहार करना वो महासत्य है। समझ में आ गया ना आपको? लेकिन जिस प्रकार से सत्य में अगर परिवार में होता है, अगर पत्नी को खुश रखना है तो ब्रदर को दुखी रखना होगा, ब्रदर को खुश रखना है तो पत्नी को दुखी, इस टाइप का भी अगर साथ प्रॉब्लम में कौन रहता है, ब्रदर रहता है या पत्नी रहती है? पत्नी रहेगी। तभी पत्नी को संभालो पहले। फर्स्ट सर्कल है, उसको पहले संभालना चाहिए। और भावना रखो, ब्रदर को भी दुख ना हो जाए, और ब्रदर को दुख हो जाता है तो प्रतिकरण कर लो, और कभी बैठ के शांति से दोनों समाधान से बात कर लो कि हकीकत क्या है, क्यों आपको दुख लग जाता है, क्यों, और गैर समझ निकल जाएगी, दुख भी मिट जाएगा।